राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राज का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ छोले राजमा की मिक्स सब्जी। ये छोले राजमा की मिक्स सब्जी बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आप इसकी कोई भी रेसिपी की जानकारी चाहिए आपको, तो मेरा वेबसाइट के नीचे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और आपको सारा लिंक मिल जाएगा। ये आधा किलो छोले हैं और आधा किलो हमने राजमा ले लिया है, रात को भिंगा दिया था, और सुबह इसको हम उबाल लेंगे 5 6 सीटी के साथ। ये छोले राजमे की सब्जी भी मिक्स करके बहुत बेहतरीन बनता है। तो आप एक बार बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका छोले राजमा की सब्जी कैसी बनी। ये देखिए, इसी में हम 8 10 काली मिर्च, एक छोटा सौंठ, एक बड़ी इलायची, दो टुकड़े दालचीनी के और 4 5 लौंग, ये सौंठ है, इसमें हम डाल देते हैं। और इसी में हम 2 लीटर पानी डाल देंगे और इसको 5 से 6 सीटी लगा देंगे। एक मेरा और भी चैनल है, मेरे हाथ का स्वाद, उसको भी आप वीडियो उसका भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, यहीं पे हम आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, 100 ग्राम काजू मगज लिए हैं और ये 10 12 हरी मिर्च लिए हैं। तो इस तरह से हम पतला पतला प्याज टमाटर को काट के, मिर्ची का डंठल तोड़ के और काजू को डाल के इसको बढ़िया से हम ग्रेवी बना लेंगे। इसको चाहे तो आप काट के भून के भी ग्रेवी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो इसको बढ़िया से भूने, जब आप इसका पतीले में इस टमाटर प्याज की ग्रेवी डालते हैं तो बढ़िया से धीरे फ्लेम करके बढ़िया से भूने, नहीं तो पहले भून लें। जैसे आपको, ये देखिए, एक छोटा चम्मच जीरा है, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, दो चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच खाने वाला कलर है, या तो आप इसके साथ 2 चम्मच वो डाल दीजिए देगी मिर्च। और यहीं पे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और यहीं पे हमने ये हींग डाला है, ये हींग है 2 पिंच के बराबर, हींग इसमें डाल देते हैं और बाकी सारे मसालों को हम डाल देंगे इसी में। तेल हमारा उधर गरम हो गया, पहले हमने जीरा डाल दिया था, बाकी मसालों को डाल के बढ़िया से भून देते हैं। और यहीं पे हम जो टमाटर प्याज काजू हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था इसी में हम डाल के और आराम आराम से भून देंगे, क्योंकि जब प्याज आप पिसा हुआ डालते हैं पतीले में तो ये बहुत उड़ता है, तो इस वजह से हम इसको धीरे फ्लेम पे करके आराम आराम से भूनेंगे ताकि बढ़िया सा प्याज पक जाए, टमाटर पक जाए। तो देखिए, इसमें जार में टमाटर और प्याज की ग्रेवी चिपका हुआ था, उसमें थोड़ा पानी डाल के हमने डाल दिया है। और यहीं पे 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। दोस्तों, हमने आप लोग को यूट्यूब सिखाने की बात कही थी, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब सिखाने की बात, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट कीजिए ताकि हम उसका काम शीघ्रता से शुरू करें। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका धीरे धीरे हम वीडियो बना रहे हैं, जो भी आप करेंगे उसका भी हम धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, हमारा 5 6 सीटी के बाद किस तरह से ये छोले और राजमा दोनों एकदम बेहतरीन उबल गया है और उधर हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है। इस तरह से बढ़िया से छोले और राजमा उबाल देते हैं कि खाने में बिल्कुल मज़ा आता है। इधर देखिए, हमारा मसाला भी तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब कि बहुत बेहतरीन ये भी भून गया है। और इसको और भी चाहे तो और भी भूने आप आराम आराम से, ताकि बहुत भूनने से ही सब्जी का टेस्ट में मज़ा आता है। जब भी आप प्याज पीस के डालें तो ध्यान रखें। और ये देखिए, यहीं पे हम ये 3 ब्रेड पीस लिए हैं, स्लाइस 3, 1 2 3, ये 3 पीस लिए हैं। जब हम थोड़ा सा ये इसमें 100 ग्राम हमने काजू मगज डाला है, तो आप अगर आप 200 ग्राम डाल देंगे तो ये ब्रेड पीस की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 ग्राम डाल रहे हैं तो 3 पीस या तो मिक्सी जार में डाल के पीस लें, और नहीं तो हाथों से बढ़िया से मसल लें पानी में डुबा के उसको, और इसको बढ़िया से धीरे गैस पे इसको भी बढ़िया से पका दें ताकि ये ग्रेवी में बिल्कुल मेल्ट हो जाए, पता नहीं चले। जो बड़े बड़े ढाबा में आप सब्जी खाते हैं
तो उसमें बढ़िया इतना टेस्ट आता है, लेकिन वो सारा मिक्स हुआ होता है जिसको हम लोग व्हाइट ग्रेवी बोलते हैं। काजू और मगज ब्रेड ये सब का व्हाइट ग्रेवी बनती है, और टमाटर करीड ग्रेवी। ये देखिए हमने इसमें छोले राजमा जो उबाल कर रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं, और ये देखिए सब्जी कितना बेहतरीन बन रहा है। इस तरह से आप बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि छोले राजमा की सब्जी आपको कैसी लगी। और यहीं पर हमारा कस्तूरी मेथी छोटा चम्मच था, हमने डाला नहीं था, वही डाल देते हैं। और यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। छोले राजमा की सब्जी मिक्स बहुत बेहतरीन होता है। कभी कभी क्या होता है, घर में थोड़े छोले थोड़े राजमा बनाया तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनेगा। यहीं पर हम धनिया पत्ता डाल दिए हैं, और देखिए हमारा ये सब्जी बन के तैयार हो गया है। तो आप थोड़ा सा बचे तो आप ज़रूर बना कर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन बनता है। इसको ढक कर रखने से होता है कि फटाफट रोगन इसका आ जाता है। किसी भी सब्जी को बढ़िया से खोला कर थोड़ी देर रख दें तो उसमें रोगन आ जाता है एकदम बढ़िया। तो इस तरह बनाएं, तो हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।